उजाड़कर यह बात साबित भी कर दी है। ये गोरिल्ले रुवांडा और कांगो के सीमावर्ती बेलुंगा पर्वतों पर रहते हैं। बड़ा डील डॉल होने की वजह से गोरिल्लों को बड़ी मात्रा में भोजन की जरूरत पड़ती है। यहाँ इन भुट्टों की तरह फल तो हर जगह मिल नहीं पाते हैं। ट्रॉपिकल जंगलों में हर पेड़ पर फल एक समय में नहीं आते हैं, पर कहीं ना कहीं किसी न किसी पेड़ पर फल हमेशा रहते हैं। पर एक पेड़ से दूसरा काफी दूरी पर हो सकता है, इसलिए वानरों को खाने की तलाश में इधर उधर जाना पड़ता है। अक्सर ये छोटे झुंडों में बढ़ जाते हैं ताकि सीमित भंडार में हिस्सा लेने वाले ज्यादा न पहुँच जाए। इस मामले में गोरिल्लों और चिंपैंजियों ने अलग अलग विकल्प चुने हैं। समस्या से निपटने के दो संभावित तरीके हैं, या तो बड़े इलाके में बड़ा सा झुंड जाए, या फिर छोटे इलाके में गिने चुने वानर ही जाएं। चिंपैंजियों ने पहला विकल्प चुना है। हमेशा चलते फिरते रहते हैं, कई बार तो दिन में 5-6 किलोमीटर तक चलते हैं। दूसरी ओर गोरिल्ले आराम तलब है, छोटे झुंडों में ही रहते हैं। गोरिल्लों के झुंड में 10-20 तक सदस्य होते हैं। तो पहली पीठ वाला वयस्क नर झुंड का मुखिया होता है। झुंड में 5-12 तक मादाएं और उनके बच्चे रहते हैं। कुछ नौजवान नर भी साथ होते हैं, पर उन्हें मादाओं के पास जाने की इजाजत नहीं होती है। सभी अपने अपने दायरे में।